अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐप लॉक की, जिसमें आप अपना डेटा सेफ रख सकते हैं। ये ऐप एक लॉकर की तरह है, बिल्कुल सेफ। इस ऐप में आप बहुत से चीज़ें छुपा सकते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियोस, म्यूज़िक, और इसके अलावा और भी चीज़ें आप छुपा सकते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। ये ऐप दूसरों ऐप से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस ऐप को खोलने का तरीका अलग है, जो कि आम बंदा पहली बार में नहीं समझ पाएगा। ये ऐप आपके लिए बेहतर है क्योंकि इस ऐप का जो आइकन है वो क्लॉक का है, और जब कोई इस ऐप पर क्लिक भी करेगा तब भी उसे समझ नहीं आएगा क्योंकि इस ऐप को ओपन करते ही सामने क्लॉक आ जाता है, जो कि सिर्फ आप जानते होंगे कि इसे कैसे खोलना है, और वो आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने सर्च बार पर लिखना है क्लॉक वॉल्ट। सर्च करते ही आपने ये जो पहले वाला ऐप है इस पर आपने क्लिक कर देना है और इंस्टॉल कर देना है ऐप को। तो मैं यहाँ वीडियो को स्किप करता हूँ, मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो ये देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होते ही आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना जो है कोड लगा देना है। पीच पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी सेट करना हो क्लॉक को आप सेट कर सकते हैं। ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आप ये यूज़ करेंगे और आप इसे ओपन कर सकते हैं इसी तरीके से। और यहाँ आपने कुछ सवालों का जवाब देना है ताकि आप जब इस ऐप को खोलें और आपको पासवर्ड ना आता हो, भूल गए हो, तो आप इससे खोल सकते हैं। इस ऐप को यूज़ करने के लिए जीमेल सेट करना पड़ेगा और यहाँ इंपोर्ट ऑटोमेटिकली पर क्लिक करने के बाद फिनिश सेटअप पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है और ऐड वॉच कर लेना है। यहाँ स्किप कर देना है ऐड को। ये देखें ऐप ओपन हो चुका है। इस ऐप में आप बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके सामने, इसमें आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने क्रिएट नोट पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें मैं आपके सामने नोट क्रिएट करता हूँ और सेव करता हूँ। ये देखें सेव करने के लिए टिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ जिस फोल्डर पर आपने सेंड करना हो सेंड करके सेव कर सकते हैं। ये देखें सेव हो चुका है नया फोल्डर जो मैंने बनाया था। तो अभी दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट कॉन्टैक्ट पेयर। यहाँ ऊपर आपने नेम सेव कर देना है, नीचे नंबर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी जो कॉन्टैक्ट आप सेव करना चाहते हैं। तो इसी तरह आप भी सेव कर सकते हैं सब कुछ इसमें। ये देखें मैं आपके सामने ऑडियो सेव करता हूँ। तो आपने इंपोर्ट ऑडियो पर क्लिक कर देना है और फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है। मैं आपके सामने एक ऑडियो को सेव करता हूँ जो मैंने नया फोल्डर बनाया था, उसमें सेव करता हूँ। तो ये डिलीट फ्रॉम गैलरी, ये जो ऑप्शन है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं गैलरी से तो आप उधर भी डिलीट कर सकते हैं इस चीज़ को, और अगर नहीं करना चाहते हैं, यहाँ भी सेव करना चाहते हैं और उधर भी पड़ा रहे, वो भी आप कर सकते हैं। ये सेटिंग है इस ऐप का। इसमें आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है इस सेटिंग में। इसके अलावा एक चीज़ और सिखानी थी आपको, वो ये है कि अगर आप ऐप से बोर हो जाएं या कोई मसला बन जाए और आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहें तो ऐसे ही अनइंस्टॉल नहीं करना। अगर आपने ऐसे ही अनइंस्टॉल किया तो आपका सेव किया हुआ सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि जो भी चीज़ आप वापस गैलरी में भेजना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है 2 सेकंड्स के लिए, और आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, और रिस्टोर पर आपने क्लिक करके रिस्टोर पर और फिर ओके पर क्लिक कर देना। तो इसी तरह आप जो चीज़ रिस्टोर करना चाहते थे वो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप अगर चाहें तो ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं।
तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।